द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सत्ता का नशा जब सर चढ़ जाता है तो कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का हवाला देते हुए उनके कार्यकर्ता भी ऐसा उत्पात मचाते हैं कि पुलिस वालों को भी कुछ नहीं समझते। उनके लिए कानून कुछ नहीं है, उनके लिए संविधान कुछ नहीं है, लोकतंत्र को वो जूते के तल्ले के नीचे रौंदने तक की कौवत रखते हैं। आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। कन्नौज में दरअसल एक जगह अपहरण होता है, पुलिस को शिकायत मिलती है, 5 लोगों को पुलिस आरोपियों के रूप में पूछताछ के लिए थाने ले आती है, और जब वो थाने पहुंचते हैं तो तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां थाने के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। पुलिस के साथ मारपीट तक की भी नौबत आ जाती है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए, जिनके ऊपर आरोप लगा है किसी को अपहरण करने का, उसको बचाने के लिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उपस्थित होकर हंगामा कर रहे हैं। इससे आप भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के आप जो संस्कृति वाली पार्टी कही जाती है कि हमारे यहाँ बहुत संस्कार है, हमारी पार्टी बहुत साफ सुथरी पार्टी है, उस पर से भी पर्दा उठता हुआ दिखाई देता है। अब चलिए आपको खबर बताते हैं। दरअसल खबर क्या है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अपहरण होता है जिसके शिकायत पर पुलिस पहुंचती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से मारपीट तक हो जाती है। ये पूरा मामला क्या है, अमर उजाला ने बकायदे इसका आर्टिकल लिखा है, हेडलाइन क्या है ये भी जरा आप देख लीजिए कि यूपी अपहरण की शिकायत पर पहुंची थी उन्नाव पुलिस, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से मारपीट, क्या मामला है आगे बता रहे। अपहरण की शिकायत पर कन्नौज पहुंची उन्नाव पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा था। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी घेरकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो उन्नाव पुलिस का कन्नौज पहुंचना है, उन्नाव पुलिस के साथ ये घटनाक्रम होता है, होता कहाँ है, कन्नौज में होता है। कन्नौज जिले में जब अपहरण की सूचना मिली थी तो उन्नाव पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी, और उन्नाव पुलिस ने जब 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 लोगों को हिरासत में लिया, तो यह पूरा बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था, उनमें से एक और था। इससे खपा भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडी पुलिस चौकी को घेर लिया, साथ ही जमकर हंगामा काटा और बीच बचाव कर रहे पुलिसकर्मियों से मारपीट भी की, उनसे भिड़ भी गए। मारपीट में चौकी प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामला शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। चर्चा है कि उन्नाव पुलिस अपहरण की सूचना पर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए आई थी। पुलिस ने सदर कोतवाली के सराय मीरा क्षेत्र में स्थित एक जिम में छापा मारा, और उस जिम में छापा मारने के बाद वहां से अपहरण किए गए युवक और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस जा रही थी। वहां पर जो लोग थे जिनका अपहरण किया गया था उनको भी वहां से हिरासत में लिया, मतलब उनको भी वहां से छुड़ाया, और 5 आरोपियों को भी वापस लेके आई। हालांकि उन्नाव पुलिस आरोपियों को लेकर वापस लौट गई थी, आरोपी के मौके पर नहीं मिलने पर जमकर उत्पात मचाया गया। बताया जा रहा है कि उन्नाव से एक युवक के अपहरण होने की सूचना थी। इस पर उन्नाव के औरस थाना की पुलिस ने कन्नौज शहर में छापा मारा था। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने सराय मीरा चौकी के क्षेत्र में स्थित एक जिम में छापा मारा, और अपहरण जिसका किया गया था उसको सकुशल बरामद भी कर लिया है, साथ ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्नाव पुलिस मंडी चौकी पुलिस को जानकारी देकर सभी को वापस लेकर जा रही थी, तभी भाजपाइयों ने उनको छुड़ाने के लिए चौकी घेर ली। भाजपाइयों ने मंडी चौकी के पुलिस के साथ मारपीट भी की। मारपीट में चौकी प्रभारी हाकिम सिंह, SI हेमंत सिंह, सराय मीरा चौकी प्रभारी तरुण सिंह, सिपाही रोहित, लवी भाटी, सुभाष कुमार, नीरज, ये लोग घायल हो गए। रात में सभी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले की सूचना ही सौरिख, तालग्राम, ठटिया समेत कई थानों पुलिस, ASP, कोतवाली प्रभारी, स्वाट टीम, एक प्लाटून PSC सहित सभी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए। SP कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आगे इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल ये मसला आप देख रहे हैं, ये मसला उत्तर प्रदेश का है, वही उत्तर प्रदेश जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि अगर आप दूरबीन लगाकर भी देखेंगे तो यहां पर आतंकी अपराधी आपको दिखाई नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधियों ने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अपराधियों को खुलेआम धमकी देते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अगर आप बताइए, आप किसी आरोपी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता थाने का घेराव करेंगे तो क्या ये अपराधी की श्रेणी में नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये योगी आदित्यनाथ को देखना होगा कि इन पर कार्रवाई करते हैं, इन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होती है या नहीं, इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को निलंबित किया जाता है नहीं, या फिर अपने सुशासन का जो दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं
या फिर जो बात कहते हैं कि मैंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में को जो है गुंडा मुक्त करा दिया है, ये प्रदेश यहाँ कानून व्यवस्था का राज है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फिट रहता है, तो उस पर फिटिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी, पुलिस इस तरीके से जिनको पकड़ेगी उनको छोड़ देगी, तो फिर पुलिस का काम खत्म हो जाता है। फिर तो आप ये समझिए कि एक तरीके से कोई आता है, वो अपराध करता है, अपराध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का अपना रौद्र रूप दिखाता है, अपना रुतबा दिखाता है, और उसके बाद वो खुलेआम घर चला जाता है। तो सबका साथ और सबका विकास का नारा और यूपी को क्राइम फ्री करने का दावा, ये कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नहीं दिख रहा है। अब कुछ लोग इसमें रिएक्ट भी कर रहे हैं, ट्विटर पर रिएक्शन भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है। बताइए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही गुंडाई करने पर उतारू हैं, वही लोग जो है कानून व्यवस्था को ताक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम सब ठीक कर रहे हैं। नरगिस बानो लिखती है कि यूपी के कन्नौज में एक युवक का अपहरण होता है, पुलिस वाले एक जिम में छापा मारकर अपहरण करने वाले को गिरफ्तार करके युवक को छुड़ा देते हैं। गिरफ्तार युवक के विरोध में बीजेपी नेता और उनके समर्थक मंडी चौकी में घुसकर पुलिस वालों की पिटाई कर देते हैं। इसका मतलब अब बीजेपी से जुड़े लोग अपहरण और अगवा करने का काम करने लगे हैं, इसी तौर पर लिखा जा रहा है। भाई जिसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे हैं और वो उत्पात मचा रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि दोस्ती किससे किसकी हो सकती है आप अच्छा जानते हैं। चोर चोर का दोस्त होता है, आप क्रिमिनल क्रिमिनल की दोस्ती आपस में ज्यादा होती ज्यादा बैठती है, उनके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, और वही होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ये जो है पुलिस चौकी में मारपीट की गई, तस्वीरें भी जो दिखाई दे रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि कैसी यहाँ चीज़ें हो रही हैं, और लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि अब सवाल उठा रहे हैं कि इसका मतलब बीजेपी से जुड़े लोग अपहरण और अगवा करने के काम में लग गए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इस काम में तत्परता दिखा रहे हैं। क्या वो अगवा करने के काम में लग गए हैं, क्या वो अगवा करने वाले लोगों का समर्थन करने के काम में लग गए हैं? अब लोग लिख रहे हैं, अस्पागम खान लिखते हैं ई तो होना ही था, मतलब जो ये हो रहा है ये तो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भैया सरकार में है, डबल इंजन की बात की जा रही है, और सीधे तौर पर नैतिक कार्यों की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, नैतिकता की बात उनके नेताओं के भाषण में ऐसी दिखती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महिला सुरक्षा के दावे करेंगे, कानून व्यवस्था की बातें करेंगे, विकास की बड़ी बड़ी इबारतें लिखी जाएंगी, लेकिन जब जमीन पर लिखने की बात आएगी तब सब कुछ ठोस नहीं बल्कि एक मुलायम स्तर से बहता हुआ चला जाएगा। आपने देखा था कि तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश में कई सारी आपको दिखाई गई थी, वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की ना होके कहाँ की थी ये आपने बखूबी देखा था, इस पर हमने फैक्ट चेक करके आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी। अब कानून व्यवस्था की अगर बात की जाती है, एनसीआरबी के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन प्रचार में इसी क्राइम को खत्म करने की बात उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा की जाती है। स्वयं योगी आदित्यनाथ भी बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन दावों की हवा ऐसी खबरें निकाल देती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही संलिप्तता पाई जाती है इस तरह के कृत्य में, तो ये सवाल है क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता अब अपहरण करने लगे हैं? क्या वो अपहरण करने के बाद भी कानून को कुछ समझ नहीं रहे हैं? पुलिस अगर गिरफ्तार करने जाती है उनके साथी को तो वो बाहर थाने के अंदर हंगामा करना शुरू कर देते? ये सवाल कई सारे हैं जो अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।